सीटों को फतेह कर लेंगे। अरे तू तो चुनाव के पहले भी कहते थे कि बिहार में सरकार बनाएंगे, अभी तो चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, तब ले इतना एडवांस कौन ही, तो राजनीतिक पंडित लोग अपना पंडिताई भाषण देगा। राजद जीत का दावा कर रही है उन सीटों पर, चुनाव के पहले भी दावा कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। राजद में अंतर्कलह के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी एक नई परिषद का गठन किया, उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया। इसको लेकर के जब हमने प्रमोद कुमार से बात की, बिहार सरकार में मंत्री हैं प्रमोद कुमार, जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्षेत्रवाद की पार्टी या परिवार की पार्टी अपना अपना ताकत झोंकने में लगी रहती है, अगर वो अपना ताकत नहीं दिखाएगी तो उनको कौन पूछेगा। साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार ने रामविलास पासवान और रघुवंश बाबू की मूर्ति लगाने के तेजस्वी प्रसाद के बयान पर समर्थन जताया। उन्होंने कहा है कि हाँ, पुराने नेता थे, उनके मूर्ति पटना में लगनी चाहिए। साथ ही साथ उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर के उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पहले भी इस भ्रम में थे कि वो बिहार में सरकार में आएंगे और अब भी भ्रम में है कि वो उपचुनाव जीत रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार, सुनिए। कांग्रेस बताएगी, बीजेपी को इस सबसे कोई असर नहीं है, बीजेपी का विचारधारा अलग है। देयर आर डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टी, बाकी पार्टी परिवार क्षेत्र के बाद पर है, अब बीजेपी नेशनल एजेंडा के साथ है। तो ये जब छोटी मोटी जो क्षेत्रीय वार है, परिवारी वार पार्टियाँ हैं, कौन अपना जो है, बीजेपी जो है इसका एक अपना भारत की संस्कृति जो है, भारत के पंचनिष्ठा, ये जो पंचनिष्ठा इसका जो सिद्धांत है बीजेपी के, जो इसलिए कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टी, तो बीजेपी के जो है देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब इसको क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इतना एडवांस बीजेपी ना बोलती है ना करती है सर। बीजेपी को जो करना है वो बीजेपी समय पर बता रही है। तेजस्थान में आप इसका क्या कहते हैं, समर्थन करते हैं? स्वाभाविक है, रामविलास पासवान जी नेता थे, मूर्ति लगनी चाहिए, अच्छी बात है। रघुवंश बाबू की भी मांग हो रही है कि मूर्ति लगाएं, निश्चित तौर पर उनका भी लगना चाहिए, वो भी बेचारे पुराने संसदीय दल के नेता। रघुवंश बाबू जाने से पहले कुछ डिमांड सौंप कर गए थे नीतीश कुमार को, और अब तक वो डिमांड पूरी नहीं हुई है। तो बात हमको जानकारी नहीं है, मान इसके जो उपयुक्त व्यक्ति हैं उनसे पूछते तो अच्छा रहता। मतलब उन्होंने जो पत्र लिखा था उसके बारे में? पत्र लिखा था वो तो सब सार्वजनिक अखबार में आया, जिस पर कितना टीका टिप्पणी सब हुआ, उसमें तो मूर्ति बनाने के लिए वो नहीं लिखे थे, वो तो जिसके बारे में लिखे थे वो एनडीए सरकार के बारे में नहीं लिखे थे, ना एनडीए के नेता के बारे में लिखे थे, वो जिसके बारे में लिखे थे वो लोग से उत्तर पूछे कि जिस डिमांड तो उन्होंने नीतीश कुमार से की थी ना कि भिक्षा पात्र लाना है, मनरेगा कानून में संशोधन होना चाहिए, सब डिमांड की थी पत्र लिखकर। जो डिमांड किए थे उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी तो उसी समय उत्तर दे दिए, शायद उसको आप लोग नहीं अवलोकन किए हैं, उस समय के अखबार देखिएगा उसी पत्र के साथ बगल में उत्तर है। अरे तू तो चुनाव के पहले भी कहते थे कि बिहार में सरकार बनाएंगे, सरकार नहीं बनाए मगर सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर आए, तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर चिराग पासवान उधर जाते हैं तो क्या इसका असर पड़ेगा? ये समय बता, देखिए इससे इसको इनकार नहीं किया जा सकता कि कमजोर मैंडेट की एनडीए सरकार है, दो जो एनडीए से बाहर निकलती है तो नुकसान होगा सरकार। अभी जो है, अभी तो चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, तब ले इतना एडवांस कौन ही, तो राजनीतिक पंडित लोग अपना पंडिताई भाषण देगा। राजद जीत का दावा कर रही है उन सीटों पर, चुनाव के पहले भी दावा कर दी थी। अच्छा, कन्हैया की बात चल रही है।